हेलो स्पीरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में। सो साइक्लोन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, अलग अलग जगह पे साइक्लोन्स को किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे टोर्नेडोस कहा जाता है, विली विलीज कहा जाता है, तो वो सब हमें आज के वीडियो में कवर करना है। फाइन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। सो साइक्लोन्स के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेरी लो प्रेशर इन द सेंटर सराउंडेड बाय इंक्रीजिंगली हाई प्रेशर आउटवर्ड्स। अब ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपने अगर देखा होगा साइक्लोन्स कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से गोल 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 हवाओं का झुंड आपने देखा होगा, इस तरह से घूमते हैं वो, है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, इसमें लो प्रेशर। और जो ये बाहर वाला एरिया होता है, जैसे जैसे बाहर की तरफ आप जाते हैं तो उसमें होता है हाई प्रेशर। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स में यही डिफरेंस आता है मेन, कि साइक्लोन्स में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है, और एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, इससे उल्टा। बट एंटी साइक्लोन्स अभी आप छोड़ दीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि साइक्लोन्स क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर उसमें हाई प्रेशर है। ठीक है, नाउ एयर फ्लो, अब इसमें हवा किस तरह से, किस फॉर्म में फ्लो करती है वो हम पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग रुख रहता है हवा का, साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग रुख रहता है। नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, अर्थ को इक्वेटर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो उससे जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे ये आपकी घड़ी है, ठीक है, तो हमारी घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, हैंड्स होते हैं, वो किस तरह से नीचे को चलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे को चलने वाली जो डायरेक्शन होती है दैट इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो ये उल्टी चलती है इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई बिलीव आपको पता होगा, बट नहीं भी पता तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब साइक्लोन्स में जो हवा का रुख होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन यहां से आता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से साइक्लोन्स को एक अलग से टर्म, अलग से वर्डिश लैंग्वेज में मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है दैट साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया विद विंड स्पाइरलिंग इनवर्ड्स। लो प्रेशर एरिया होता है जहां पे हवाएं जो है वो अंदर की तरफ समा रही होती है, मतलब ऐसे ना गोल 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 घूमती रहती है और अंदर को सब कुछ जा रहा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कीजिए साइक्लोन्स, वहाँ पे कुछ इमेजेस आएंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। आगे हमें साइक्लोन्स के टाइप्स भी पढ़ने हैं, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि साइक्लोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन, जब साइक्लोन बन रहे होते हैं वो और इंटेंसीफाई, गहरे हो रहे होते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा गया है साइक्लोजेनेसिस। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, साइक्लोन से रिलेटेड चीज़ें आ गई, साइक्लोजेनेसिस हो गई, ठीक है। अब साइक्लोन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब कई बुक्स में ना आपको तीन तरह के दिए होंगे और तीसरा पार्ट बना दिया टोर्नेडोस, बट टोर्नेडोस क्या है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो ही पार्ट्स आपको डिफाइन करूंगी, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के अंदर जो टोर्नेडोज होते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, तो आप टेंशन ना लेंगे कुछ छूट जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि 99% मैं कवर करवा पाऊँ, बाकी 1% तो आपको पता ही, यू नेवर नो, है ना। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं। इसके लिए आपको विंड बेल्ट्स का पता होना चाहिए, है ना, ट्रेड विंड्स का, विंड्स के टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ना सारी सीक्वेंस में चलती हैं। तो अगर आपको नहीं पता विंड्स क्या होती हैं, विंड बेल्ट्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी विंड्स क्या होती हैं, कुछ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहली चीज़ तो टेम्परेट साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं, क्यों, बिकॉज दिस टर्म सिग्निफाइज दैट दिस टाइप ऑफ साइक्लोन जनरली अकर्स आउटसाइड द ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक माना जाता है, है ना, लेकिन ये ट्रॉपिकल जो बेल्ट आती है उसमें नहीं फॉल करते, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ट्रॉपिक्स की बाहर वाली जो बेल्ट है उसमें ये लाई करते हैं, 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स तक ये लाई करते हैं, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ठीक है। अब जो वेस्टर्ली विंड बेल्ट है, वेस्टलाइज, ईस्टलाइज, ट्रेड विंड्स, नहीं पता तो कैसे समझ आएगा, है ना, तो आपको विंड बेल्ट्स का यहाँ पे पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए वही पुराना टॉपिक मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज उसमें भी फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और मेरा टारगेट होता है इजी से इजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा के मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा सकूँ, ताकि
बहुत बोरिंग ना हो, क्योंकि बहुत डेप्थ में पढ़ के करना भी क्या है ना, जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है. सो वेस्टर्ली विंड बेल्ट में जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, याद रखना है. इट फॉर्म्स ओवर अ मच लार्जर एरिया. ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करते हैं. फॉर्म्ड ईदर ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जो जमीन वाला भाग है हमारा उसके ऊपर भी टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, जो ओशंस वाला पार्ट है उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल सिर्फ ओशंस पे आते हैं. ट्रॉपिकल के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी. कैन फॉर्म इन बोथ समर्स एंड विंटर्स, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, दोनों टाइम पे ये साइक्लोन्स आ सकती हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द वेव साइक्लोन्स, राइट. तो इसी के साथ हमारा टेम्परेट साइक्लोन्स हो गया कम्प्लीट. आगे चलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं. नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें. जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं. मैं प्राइसिंग डिटेल्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी. तो एक तरह से काफी अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. फाइन, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट. अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है. नाउ दीज आर फाउंड इन द ट्रेड विंड बेल्ट, जो ट्रेड विंड की बेल्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं. ट्रेड विंड्स कहाँ पे चलती हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बीच में. नहीं पता तो फिर आपको विंड बेल्ट्स का तो पता होना चाहिए, है ना. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रेड विंड बेल्ट में चलती है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक. बट ध्यान से सुनिए, बट नॉट अराउंड 0 डिग्री टू 8 डिग्री एज देर इज नो कोरियोलिस फोर्स. 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में कोई साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है. कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? मान लीजिए ये हमारी अर्थ की एक्सिस है और इसके अराउंड अर्थ इस तरह से घूम रही है, तो उस रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है दैट इज नोन एज द कोरियोलिस फोर्स. 0 डिग्री से 8 डिग्री लैटिट्यूड तक कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई साइक्लोन्स नहीं आते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है ईस्टर्ली विंड बेल्ट में कहां से कहां को, कौन से डायरेक्शन में मूव करती है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये. नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मच स्मॉलर इन एरिया देन टेम्परेट साइक्लोन्स, बहुत कम एरिया ये कवर करते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के कंपैरिजन में. टेम्परेट साइक्लोन्स में हमने क्या पढ़ा कि वो जब साइक्लोन समझ रहे ना आप, इस तरह से जो हवाओं का झुंड आता है तो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत कम एरिया को कवर करते हैं. फॉर्म्ड ओनली ओवर द ओशंस, सिर्फ जो पानी वाला पार्ट होता है आपका, ओशन वाला पार्ट होता है, सिर्फ वहीं पे ये साइक्लोन्स आते हैं. जो दूसरे वाले हैं टेम्परेट वो कॉन्टिनेंट्स पे भी आते हैं, ओशंस पे भी. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म्ड ओनली इन समर, सिर्फ गर्मियों में आते हैं, और वो गर्मियों में भी सर्दियों में भी आते हैं, ठीक है. तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. बाकी साइक्लोन्स में आप समझ रहे ना क्या होता है, कि हवाएं चलती हैं, बीच में लो प्रेशर होता है, साइड में हाई प्रेशर होता है, इस तरह से. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं अलग अलग जगह पे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि साइक्लोन कहाँ पे कहा जाता है, टाइफून्स, विलविले, टोर्नेडोज, ट्विस्टर्स, हरिकेन्स. सुना होगा आपने कि हरिकेन ये आया या फिर टोर्नेडो ये आया, तो बस वही हमें पढ़ना है कि कौन से जगह में इसे क्या कहा जाता है, राइट. बट आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें. जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली, आपके सामने डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं. फाइन, हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कि इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. तो साइक्लोन कहा जाता है इन्हें इंडियन ओशन में, हरिकेन्स कहा जाता है इन्हें कैरिबियन आइलैंड्स में. कैरिबियन आइलैंड्स कहाँ पे हैं? नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका, जो ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच में, राइट. टाइफून्स कहा जाता है चाइना सी, मतलब चाइना के आसपास जो वाटर वाला पार्ट है चाइना सी में, इसे टाइफून्स कहा जाता है. विली विलीज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टू लर्न, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है, विली विली ने ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है. टोर्नेडोज कहाँ जाता है, कहाँ कहा जाता है? कोस्टल यूएसए में. ट्विस्टर्स कहाँ कहा जाता है? मिसिसिपी वैली यूएस, ठीक है. तो आपने ये तो आपको बिल्कुल रटने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अब मैंने आपको कहा था कि टोर्नेडोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा. कई बुक्स में बताए हैं तीन टाइप साइक्लोन्स के, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टोर्नेडोज, लेकिन जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड रहता है वो है दो ही हैं,
ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसी का एक पार्ट है टॉर्नेडोज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फाइन, टॉर्नेडोज क्या होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्पेशली फियर्ड इन मिसिसिपी वैली यूएसए, इनका खतरा रहता है, सबसे ज़्यादा डर बना रहता है कि मिसिसिपी वैली यूएसए में आएंगे, दस कॉल्ड एज द ट्विस्टर्स, तभी इन्हें वहाँ पे ट्विस्टर्स के नाम से जाना जाता है। फाइन, अब अलग अलग जगह में अलग अलग नाम होता है ना, तो वैसे ही। नाउ डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज दे जनरली ओरिजिनेट ओवर लैंड, अब आपने याद रखना है हमने क्या पढ़ा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली ओशंस में, मेनली क्या, ओनली ओशंस में ही आते हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉर्नेडोज होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में डिफरेंट हैं कि ये लैंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। मोर डिस्ट्रक्टिव देन अदर साइक्लोन्स, कोई भी और साइक्लोन ले लो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वो टॉर्नेडोज होते हैं, और यहाँ पर जो है स्पीड जो है हवाओं की वो रहती है बहुत ज़्यादा हाई, जितना कह सकते हैं आप 320 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसी के साथ हमारा साइक्लोन्स वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा ये साइक्लोन्स का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा तो उसे भी ज़रूर देखें, फिर आपका साइक्लोन एंटी साइक्लोन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।